अफजाल ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, हाथ में पिस्टल लेकर लोनी में लोगों की तोड़ाया है। फरुखनगर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरुखनगर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो गाजियाबाद में वांटेड अपराधी ने जमकर फायरिंग की है। अपराधी अफजाल ने की है ताबड़तोड़ फायरिंग, जिस वजह से लोग डरे हुए हैं। हाथ में पिस्टल लेकर लोनी में लोगों को इस अपराधी ने दौड़ाया है। फरुखनगर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वांटेड अपराधी है जहां पर खुलेआम पिस्टल लेकर घूम रहा है। ना तो इसको प्रशासन का डर है और ना ही इसको सरकार का डर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस अपराधी ने लोगों को दौड़ाया भी है, जिस वजह से गांव में डर का माहौल बना हुआ है। अबे किसका लफड़ा होगा, किसका है? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक गुंडे मवाली की तरह यह आरोपी लोगों से पूछ रहा है किसका मामला है और क्या बात है। हाथों में पिस्टल लेकर और साथ ही साथ ये कोई एक अपराधी ने, इसके साथ दूसरा अपराधी मौजूद है, उसके हाथ में भी आप पिस्टल देख सकते हैं, यानी दोनों लोगों के हाथों में पिस्टल है और खुलेआम इस पिस्टल को लेकर घूम रहे हैं और वही लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है। तो लॉकडाउन चल रहा है, आखिर इन लोगों के पास ये पिस्टल आई कहां से? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन आखिरकार कहां मौजूद है? इस लॉकडाउन के बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है। जब ये अपराधी बाहर निकले हैं पिस्टल लेकर, एक नहीं दो अपराधी हैं, तो पुलिस प्रशासन आखिरकार कहां मौजूद है? ना तो इन अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ है और ना ही सरकार का कोई डर है। तभी तो खुलेआम पिस्टल लेकर ये दोनों अपराधी सड़क पर घूमते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। तो बदमाशों की यहाँ दबंगी देखने को मिली है। अबे किसका लफड़ा होगा, किसका है? खुलेआम लोगों से पूछा जा रहा है किसका लफड़ा है और क्या मामला है। तो यह पुलिस की भी लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है, जिस पुलिस को चौराहे पर मुस्तैद रहना चाहिए, उस बीच पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद नहीं आया है।